हमारी हाईटेक टीम उत्तर प्रदेश के असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में तमाम असेंबलियों का दौरा कर रही है। आज हमारी टीम मुरादाबाद के कांति विधानसभा 25 पहुंची, जब हमारे नुमाइंदे गजनफर अली ने वहां के लोगों से बात की। देखिए लोगों का क्या कहना है। आदाब नमस्कार। हम कर रहे हैं छोटे छोटे गांवों में चुनाव को लेकर सर्वे कि चुनाव आखिर किस तरफ जा रहा है। आज हम पहुंचे हैं काट विधानसभा 25। आइए लोगों से जानते हैं कि आखिर चुनाव किस तरफ जा रहा है। आइए बात करते हैं सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम फिरोज अंबर है। फिरोज अंबर जी, आप किस पार्टी से बिलोंग? मैं कांग्रेस पार्टी में जिला महामंत्री हूँ, जिला मुरादाबाद से, और मैं प्रदेश सचिव रहा हूँ पिछड़े वर्ग में। क्या काम आप ऐसा कार्य करेंगे जिससे आपकी तरफ वोट आए? देखिए, हमारी पार्टी ने कुछ मैनिफेस्टो तैयार किए, उस हिसाब से अब तक जो देखा गया है रुझान हमारी तरफ आए। और अगर 25 विधानसभा कांट की बात करें तो हम स्वास्थ्य, एजुकेशन और लोगों के रोजगार पर ज्यादा तरजीह देंगे। आप ज्यादा लोगों के जो रोजगार कम है रोजगार पर ज्यादा ध्यान देंगे? जी जी, औद्योगिक क्षेत्र नहीं है कांट विधानसभा में, औद्योगिक कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिससे कि ये कहा जाए कि उन्हें पूर्णतः वार्षिक पूरी आमदनी हो, तो हम ऐसा औद्योगिक क्षेत्र लाने की कोशिश करेंगे जिससे वार्षिक उनकी इनकम बढ़े। हर क्षेत्र में हर किसी को कार्य मिले, हर किसी को कार्य मिले, ऐसा कोई अभी कोई पॉइंट नहीं है, कोई सेंटर नहीं है इस तरीके का जैसे कोई फैक्ट्री हो, इस टाइप की कोई नहीं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद खुर्शीद। मैं जानना चाहूंगा कि किसानों की क्या है यहाँ पर? किसानों की बहुत समस्याएं हैं यहाँ पर। किसानों को जो तीन कानून जो मोदी जी ने करा, एक साल से किसान लोग बैठे हैं। अब तो कानून वापसी ले लिया ना? वापसी ले लिया है, तो अभी कुछ शर्तें हैं किसानों की, तो शर्तें अभी मांग पूरी होगी जब धरना हटाएगा। 6,000 रुपए दिए भी तो है मोदी जी ने। 6,000 रुपए दिए हैं किसानों को, दिए हैं 6,000 रुपए। तो जी हमें जो है पार्टी जो है काफी अब जो है चुनाव आ रहे हैं लेकिन हर चीज पे जो है रेट भी कम हो रहे हैं। अगर आप पेट्रोल की बात करें तो 10 रुपए कम हो चुका है, वही घर का तेल है वो भी कम हो चुका है, तो कहीं ना कहीं चुनाव की बात है या सस्ता ही हुई है? नहीं, चुनाव की बात, चुनाव में भले सस्ता कर रहे हैं थोड़ा बहुत, तो फिर बढ़ा देंगे जीतने के बाद। चुनाव की बात है चुनाव पर कम कर देंगे, पेट्रोल कम कर दिया 10 रुपए, उससे क्या हो रहा है 10 रुपए। किसानों की और समस्या क्या है? किसानों की मुख्य रूप से समस्याएं हैं, किसान को अपनी फसल का सही दाम नहीं मिलता। किसान को 25 रुपए तो गन्ने पे भी बढ़े हैं। 25 रुपए गन्ने पे 5 साल में योगी जी ने 25 रुपया बढ़ाया है, जिसमें हमारी जो लागत है गन्ने पे। और सरकारों को कौन सा कोई पैसा बढ़ाया? प्रति वर्ष बढ़ाया जाता था गन्ने पे कम मूल्य, लेकिन ये तो रिजर्वेशन की मीटिंग नहीं करा पाती, और जो निर्धारित मूल्य काश्तकार को उसकी फसल का मिलना चाहिए वो मूल्य नहीं मिले। तो क्या कांग्रेस में प्रियंका जी आई थी यहाँ पर, क्या कांग्रेस में कोई जान आ पाई? प्रियंका जी तो खुशी जितनी भीड़ थी वहाँ पर देखने को मिलेगी, क्या वोट में तब्दील हो पाएगी? हाँ निश्चित, प्रियंका जी के आने से लोगों में भरोसा बढ़ा है, विश्वास बढ़ा है, और जो आज ये संप्रदायवाद जातिवाद पे जो आधारित राजनीति है इसका समापन होने जा रहा है। प्रियंका गांधी आएंगी, उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगी, और जो विकास की आधारित राजनीति होगी। क्या क्या माना जाए कि कांग्रेस में कोई ना कोई जान आई है? जान आई है प्रियंका जी, जो मुरादाबाद से आई थी इससे काफी जान आई है, लोगों का रुझान हुआ है काफी कांग्रेस की तरफ। काट विधानसभा में वोट अगर देखा जाए तो किस तरफ जा रहा है? ये कांग्रेस की तरफ जाएगा, कांग्रेस की तरफ। ये हमारे फिरोज अनवर जी जो है, फिरोज अनवर जी काफी मेहनत कर रहे हैं, लोग इसे काफी आकर्षित हैं, सारी बिरादरी के साथ 25 विधानसभा आए। अच्छा, मैं जानना चाहूंगा कि लगभग लगभग कितने मुस्लिम हैं काट के? 50% ब्राह्मण कितने हैं बच्चों? सैनिक कितने हैं? सैनिक भी जी हाँ, हमने यहाँ चुनाव की पूरी पूरी लोगों से बोली, अब देखने वाली बात ये होगी आखिर चुनाव किस तरफ जाता है। गजनफर अली, हाइट टीवी, मुरादाबाद।